तो लास्ट लेक्चर से हम बात कर रहे हैं अबाउट मोटिवेटिंग पीपल एंड उसमें हमने स्टार्ट किया एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट से एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास का था कि हु शुड मोटिवेट द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वी हैड अ फ्यू ऑप्शंस कि इंडिविजुअल खुद अपने आप को करे। Some of you said yes, and then we talked about ke manager kare, organization kare, ya kuch aur other log ya sources ho jisse hona chahiye. So individual apne aap ko kare, but kahan se reason aaye, kya kare, kis tarike se, kaun sa stimulus hoga. So we also talked about organizations kar sakti hain. लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस एक हद तक सिस्टम डेवलप कर सकती हैं रिवॉर्ड्स का, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स का, बट वो कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज नहीं होती। इसके बारे में आज हमने ज्यादा बात करनी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक से, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड को साथ रिलेट करते हुए। देन वी टॉक्ड अबाउट दैट हाउ मैनेजर्स कैन मोटिवेट द पीपल। इंटरैक्ट करते हैं सो दे हैव अ बेटर चांस टू मोटिवेट पीपल, बट द प्रॉब्लम विद देम इज दैट दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ तो इनके लिए पैराडॉक्स होता है विच इज व्हाई दे नीड टू लर्न हाउ टू मोटिवेट पीपल बियॉन्ड मॉनेटरी फैक्टर्स। तो इसकी तरफ आज हम चलेंगे और कहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए था। हमने कहा कि दो चीजें होनी चाहिए, अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड देन अंडरस्टैंड इंडिविजुअल अप्रोच एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सम रिसर्च। अगर आप ये चार चीजें जो हैं वो लोगों की जॉब में ले आते हैं तो काफी हद तक जो है को रीजनेबली फायदा हो सकता है, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड देन वी सेड दैट individualized approach is important. One motivating strategy might not be fulfilling for everybody and hum sab ke liye ko different reason hai, that means har individual ke liye ko different reason hai. Manager ko actually dekhna hota hai ki kaun sa wo individual reason hai jiske liye wo motivate hota hai. Then we talked about our overall strategy एंड हमने कहा कि आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, मोर रिसर्च देखेंगे और बाकी चीजें हम देखेंगे एंड पे बर्न आउट कैसे होता है एंड हाउ टू क्रिएट कल्चर फॉर एंगेजमेंट। मुझे बताएं कि हमने हाउ टू असेस एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में कुछ पढ़ा था? नहीं सर, इसमें तो नहीं था कुछ पढ़ा अभी, हमने स्टार्ट नहीं किया हाउ टू असेस एंगेजमेंट। नो सर, ये नहीं किया। ओके तो यहां से हमारा आज का लेक्चर मेनली स्टार्ट होगा। अब इशू ये है जब तक आप असेसमेंट नहीं करते एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, तब तक आपको ये पता नहीं चल सकता कि कौन से एम्प्लॉयज और कौन सी टीम के क्या हालात हैं। और अगर करते भी हैं हम लोग तो बहुत सारे फ्लॉज होते हैं इसमें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वेज हो रहा होता है, not for the sake of improving engagement or motivating people but just for the sake of surveys ke ye survey aaj ho gaya hai, is saal mein bhi ho gaya hai, theek hai, and usually window dressing because aap agar aapne thoda sa balance score card ka naam suna ho to usme aapko show karna hota hai apni employee satisfaction, employee learning, तो वो एंगेजमेंट के थ्रू या सेटिस्फेक्शन के थ्रू जब आप सर्वेस करते हैं तो रैंकिंग इंक्रीज करने के लिए आप अपने जो पब्लिश करते हैं सर्वेस वो कोई विंडो ड्रेस्ट होते हैं, एक्चुअल सर्वेस या एक्चुअल रिजल्ट्स ज्यादातर नहीं होते। तो जब आप ये काम करते हैं दैट मींस मोटिवेशन की तरफ आ ही नहीं सकते बिकॉज असेसमेंट इज ऑलरेडी शोइंग कि आप ठीक हैं, तो फिर प्रॉपर उसका मेजर नहीं होता और प्रॉपर
सॉल्यूशन नहीं होता। तो सर्वेस जो हुए और जो हो रहे हैं और सारी चीजें हैं उसको जरा आप डिस्कस कर लेते हैं। हाउ टू असेस एंगेजमेंट ऑफ योर एम्प्लॉइज और ऑफ योर टीम। वन सर्वे रिपोर्टेड दैट ओनली 13% ऑफ द एम्प्लॉइज आर एंगेज्ड इन देयर वर्क। दिस इज अ यूएसए सर्वे। ऑब्वियसली हमारे पास इतने फॉर्मलाइज सर्वे होते नहीं है, होते भी हैं तो वो ग्लोबल लेवल को कंपेयर करने के लिए होते हैं। मेनी कंपनीज हैव रिपोर्टेड दैट एंगेज्ड एम्प्लॉइज ब्रिंग 20% मोर प्रोडक्टिविटी देन द एम्प्लॉइज हु आर नॉट एंगेज्ड। दैट मीन्स पहली बात वेरी लेस पीपल आर एंगेज्ड, सेकेंडली एंगेजमेंट का जो असर है वो होता है। इफ योर एम्प्लॉइज आर मोर एंगेज्ड यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय 20% और मे बी इन सर्टन सिचुएशंस मोर देन 20%। हाउएवर दीज कंपनीज डू नॉट हैव मच क्लियरर आइडिया अबाउट हाउ टू मेजर द एंगेजमेंट। मेनली ये हमने वैसे लास्ट टाइम बात की हुई है। हाँ, mainly the performance appraisal is used to assess the engagement, but that's not the only perceived side of the employees. Jo employees perceive kar rahe hote hain, aap actually performance appraisal mein wo measure kar rahe hote hain, kyunki aap usi se baat karte hain, usko fill karte hain. Ya ho sakta hai ki performance appraisal jo hai wo agar ACRs ki form mein hota hai या वो ऐसे रिपोर्ट की फॉर्म में होता है तो वो तो आपका बॉस आपके लिए फिल कर रहा होता है। तो बॉस की मर्जी है, वो जो मर्जी रैंक कर दे आपको एंगेजमेंट वाइज एंड अदरवाइज। एंड उसमें फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर है भी कि द पर्सन इज वेरी मोटिवेटेड, आपका बॉस अच्छा समझता है आपको तो वो आपको हो सकता है 90% पे रेट कर दे, वो अच्छा नहीं समझता तो 20% पे रेट कर दे। इट डिपेंड्स। सो दैट मीन्स एक्चुअल जो है वो सर्वे नहीं होता। अगर सेल्फ सर्वे होते भी हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी जो परसीव्ड साइड ऑफ द एम्प्लॉइज है वो देखी जाती है, जो एम्प्लॉई समझ रहा होता है। सो पीपल टेलिंग यू थिंग्स दे थिंक यू वांट टू हेयर रादर देन व्हाट दे रियली थिंक। दूसरा ये भी उसमें मसला आ जाता है कि लोग कहते हैं किससे लोग खुश होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू राइट फ्रॉम 1 to 10 तो मैं कह दूंगा चलो 9 लिख देते हैं, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी विदाउट इवन थिंकिंग। हो सकता है मैं 10 एंगेजमेंट पे, हो सकता है 5 पे हूँ, बट 9 इज सेफ तो मैं 9 लिख देता हूँ। एंगेजमेंट सर्वेस या मोटिवेशन सर्वेस जो है उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती हैं। ये भी हमने बात खैर कर ली थी, अभी मुझे याद आया इस पे तो हमने क्वेश्चंस भी काफी किए थे कि कितना टाइम स्पेंड कर रहा है क्या है, बट सम ऑफ अस सेट के कोई इतना अच्छे मेजर्स ये भी नहीं है, इससे भी इश्यूज हो सकते हैं। ये हमने बात की टाइम स्पेंड विद द बॉस, सीनियर कोलीग के साथ टाइम स्पेंड करें तो मोटिवेशन आती है, बट इतना ज्यादा और इतना ज्यादा टाइम दोनों प्रॉब्लम कर सकते हैं। कैलेंडर फ्रेगमेंटेशन की हमने बात की थी, ये हो तो एंगेज एम्प्लॉय की भी एंगेजमेंट खराब होती है बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं होता। ये आई थिंक हमने नहीं पढ़ा था। देन देर आर अदर मेट्रिसेस जो साइन है, फॉर एग्जाम्पल 13 साइंस ऑफ समवन हु इज अबाउट टू क्विट। Out of 900 behaviors, 13 have been shortlisted. एक study हुई जिसमें 900 different behaviors study किए गए और जो overlapping ज़्यादा frequently behaviors मिले they were 13. वो कौन-कौन से हैं? जब आपकी intention to quit develop हो रही होती है, आप job छोड़ने वाले होते हैं, तो तब कौन कौन से साइंस जो हैं आपको उस एम्प्लॉय में नजर आना शुरू हो जाते हैं। जी अबकर सर, वो एक लड़का है आशिर, वो ज्वाइन करना चाह रहा है, ये एमएसपीएम का था। इसने कहा सर आसिफ से इसने शायद इजाजत ली है आपका कोर्स अटेंड करने के लिए। मैं अबकर कोई 10 मिनट उसको बुलवाता रहा हूँ कि आशिर जफर कौन है। मैंने जैप टेस्ट में चेक किया है, मेरे पास रजिस्टर्ड कोई नहीं है वो,
ठीक है सर। फिर मैंने उसको भी रिमूव किया। सर सर मैं नमाज पढ़ा था एक्चुअली, तो अभी उसका मुझे दोबारा मैसेज आया है कि काइंडली आप सर को बता दें कि मैंने ज्वाइन इन करना है। बट इतना तो बंदा होश में रहे ना कि वो जवाब तो मुझे दे, चैट में लिख दे। हाँ मतलब कुछ भी वो उसको कर दे, मैं तो इसको यही कहा, मैंने कहा आप सर को बताओ तो सही कि अगर वो कुछ पूछ रहे हैं। सॉरी हाँ, सर ये अब भी जो यही है कि उसको कहो दूसरे ईमेल से आए, इस मीटिंग से मैंने उसको रिमूव कर दिया था, सर मैं कह देता हूँ, मैं सर कह देता उसको हूँ। कह दे। ओके बॉस। वो मेरे साथ ज्वाइन करके यहाँ ड्राइव कर रहा था, सो रहा था, सुन नहीं रहा था बात कोई भी, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा सर मैं कह देता हूँ, सर मैं कह रहा हूँ सर। है। थैंक यू। सो यूजुअली ये साइंस होते हैं, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड मोर देन यूजुअल, देन एक्टिंग लेस लाइकली एज अ टीम मेंबर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क देन यूजुअल, लेस इंटरेस्टेड इन प्लीजिंग देयर मैनेजर्स देन यूजुअल, लेस विलिंग टू कमिट टू लॉन्ग टर्म टाइमलाइंस देन यूजुअल, नेगेटिव चेंजेस इन द एटीट्यूड, लेस एफर्ट and motivation than usual, dissatisfaction with their current job, dissatisfaction with their current boss than usual, less focus on job related tasks, leaving early from work than usual, and lost enthusiasm for the mission of the company and showing less interest to work with or on customers than usual. इन 13 साइंस के साथ साथ देर आर मेनी अदर साइंस, शॉर्ट लीव्स, अप्रेजिंग कंपेटिटर्स एंड अपनी कंपनी के बारे में बुरी बातें करने लग जाना, अपने बेनिफिट्स के बारे में कंप्लेन करने लग जाना। सो ये सारी चीजें जो हैं, ये भी साइन है व्हेन समबडी इज अबाउट टू क्विट। ऑब्वियसली एट दैट टाइम योर एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन टू वर्क फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज एट द लोएस्ट। सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि यहां कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। नाउ हाउ टू असेस, हमारा मेन क्वेश्चन इज हाउ टू असेस द एंगेजमेंट, बट द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द सर्वेज इज इनके अपने ही सर्वे डिजाइन और बाकी सारे इतने इश्यूज होते हैं कि सही तरह आप मेजर नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सर्वेज टू गेन इनसाइट इनटू लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेस एंड बर्नआउट। तीन चीजों के सर्वेज होते रहते हैं, ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। आस्किंग पीपल इफ दे वर्क, if they have work overload and then reducing the workload, while the real problem is the psychological issue, lack of support, work does not line up with personal goals. यूजली वो क्या कह रहे हैं कि इस चीज पे फोकस करते हैं कि इस पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उसको कम कर दें। सच सर्वेज आर फॉर द सेक ऑफ सर्वेज and waste time, energy, and even money. So the question is, should we not then conduct surveys? Obviously, the answer is no. Surveys should be done, but problems should be identified and eradicated. So we need to develop better surveys फॉर द असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट और असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन। अब कुछ उन्होंने स्टडीज रिसर्चर्स ने की, उससे उनको पता चला जो बिगेस्ट कल्प्रिट्स हैं इन सर्वे जो उनको बेटर होने से रोकते हैं, दीज आर दीज फोर बिगेस्ट कल्प्रिट्स। सर्वेज बनाते वक्त और सर्वेस कंडक्ट करते वक्त, इवन उनके रिजल्ट्स लेते वक्त, ये चार प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आ सकती हैं।
सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, इक्वेंसेस बायस, डबल बैरल क्वेश्चंस एंड एम्बिग्विटी। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सोशल डिजायरेबिलिटी बायस, आप लोग जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अपनी अपनी जॉब को देखते हुए इन दो क्वेश्चंस पे आपके आंसर्स क्या हैं? एंड आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। नो सर। यू फील ओवरवर्क्ड? नो। एंड बर्नड आउट? नो। ठीक है, सो अबूबकर इज सेइंग नो। नो सर। ओके सर, नो। एक सेकंड जरा वेट कीजिएगा। So, पहले बंदे ने नो कहा। अली, यू आर ऑल्सो सेइंग नो? जी सर, नो। ओके, नो सर। अहमद असलम साहब, नो। जी, नो सर। ओके, फाइव, नो सर, नो। एंड हु इज दिस? सदफ। अच्छा संदल, ठीक है जी। आई नीड आंसर फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवन। जी आमिर साहब, आप? सर, आई ऑलरेडी सेड नो। ओके, ठीक हो गया। अबीर, अबीर ने कहना मैं काम ही नहीं करती तो ऐसे पूछी जा रहा। ठीक है, अब्दुल अजीज इज ऑल्सो सेइंग नो। अली सेड नो। असलान, असलान चौधरी है ना? जी पूछा क्या है? मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूं तो सिर्फ सुन रहा हूं आपको। मैंने ये पूछा कि आप ड्राइव कर रहे हो? नहीं जी, ड्राइव कर रहा हूं सर। ठीक है, सो यस। ठीक है, सो यस। अच्छा, ओके, यस सर। ये हालात है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अस्लान कौन सा सर? दूसरे वाला, आपको पता चल गया? दूसरे वाला, आपको पता चल गया? मैं जी सर, मैं ये बता रहा था कि मोस्टली कभी कभी होता है लेकिन ज्यादातर नहीं। ठीक है, एंड देन वी हैव सना। नो सर। सबा, आंसर टू दीज टू क्वेश्चंस। राइट सर। सर, आई फील ओवरवर्क्ड, यस। आई फील बर्नड आउट, नो। ओके, सो यस एंड नो। ठीक है, आपने ओवरवर्क्ड को यस कहा है, बर्नड आउट को नो कहा है, रिमेंबर दिस। ठीक है, ताकि वो हमें क्लैरिटी हो जाए। जी सुंबल, जहीर अब्बास, आशिर, यस सर, आशिर है सर। जी आशिर, कैन यू आंसर दीज टू क्वेश्चंस? आई फील ओवरवर्क एंड आई फील बर्नड आउट। सर, ओवरवर्क। ओवरवर्क पे यस? यस। ओके, सो यस एंड बर्न आउट पे नो? यस। ओके, और बाब? जी सर। जी सर, आई डोंट रियली वर्क, लेकिन जहां पहले काम करती थी, नो। फॉर बोथ द थिंग्स। ठीक, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। फुल है वॉल्यूम मेरे फोन के। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी बायसेस। Many people are going to say no to such questions. Maybe it is the truth that they are not overworked and they are not burned out. Agar aisa hai to theek hai, but this is going to ye zyada log no hi karte hain is tarah ke questions ko.
थोड़ा सा अगर हम वापस जाके देखें तो ये वर्ड जरा नोट करें. व्हाट इज दिस वर्ड? आई फील ओवरवर्क्ड एंड आई फील बर्नड आउट. अभी वापस आते हैं इस पे. सोशल डिजायरेबिलिटी बायसेस का प्रॉब्लम ये है asking questions not focusing the employees but the organization. अगर आप employees को focus करके questions करेंगे, people are not going to tell you the truth because the first thing that they are going to feel that they are saying something bad about themselves. आप अपनी वीकनेस और जो ट्रूथ है इस सेंस में आंसर ही नहीं करते बिकॉज आप लोगों के सामने वीक और वो चीज शो नहीं होना चाहते. आई बिलीव माई वर्कलोड इज रीजनेबल फॉर माई रोल. द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इनफ सपोर्ट. अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखें तो आई वाले क्वेश्चन पे यूजुअली आप नोज में आंसर देते हो और ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चन में अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, विच इज व्हाई पीपल सेड यस एंड यस इन द फर्स्ट. बिकॉज इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो थी वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन थी कि वर्कलोड मेरा कैसा है, विच माइट मीन आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कैसी है, और उससे आपको जो है थोड़ा सा ब्लेम ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहा था. बट जहां फुल आप पे ब्लेम आ रहा था आई फील बर्न्ड आउट, आपने बिल्कुल किसी एक बंदे ने भी वो ब्लेम नहीं लिया. सो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से जो सेल्फ वाला प्रॉब्लम है वो शायद निकालना पड़ेगा. आस्किंग क्वेश्चंस नॉट फोकसिंग द एम्प्लॉइज बट द ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस विल गिव यू सम बेटर आइडिया कि लोग क्या फील कर रहे हैं. व्हाट इज सोशल डिजायरेबिलिटी बायस? इट इज द इंपल्स टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ पॉजिटिव लाइट. So their bosses will think well of them. Sometimes you are stressed, you are burned out, but जब आपसे कोई पूछता है, especially your boss, कोई टेंशन है आपका? तो नहीं नहीं किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सब ठीक है. आप अपना वीक सेल्फ शो ही नहीं कर सकते. सर एक चीज अगर मैं ऐड करूं. जी जी प्लीज. बिल्कुल. अच्छा सर, इसमें अक्सर औकात इसको हम उल्टा भी यूज कर सकते हैं कि वर्कर्स की एक आदत होती है ग्रम्बलिंग की, वाइनिंग की, कंप्लेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन में. जी जी जी. किसी वजह के अगर कोई आपसे पूछेगा जी कि वर्क आपका लोड ज्यादा है तो नहीं भी होगा, वो कहेगा हाँ जी बहुत ज्यादा. और ये हम अक्सर औकात ऑब्जर्व भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. जो सबसे पहला आदमी उसे पूछे कि हाँ भाई कैसा वर्कलोड है, वो कहेगा नहीं बड़ा वर्कलोड है. बड़ा वर्कलोड ये पूछे कि हाँ भाई आए वाला सवाल पूछे तो वो फिर आपको सही शायद आंसर दे दे. तो ये उलट भी तो हो सकता है कि इफ यू वांट टू नो द ट्रुथ तो आप आए वाला सवाल यूज करें, बर्डन उस पे डाले बनाए बजाय के ऑर्गेनाइजेशन के, तो शायद आपको जो है वो सर्वे का सही जवाब मिल जाए. बिल्कुल सही. नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बात है. इसमें हमारी ये वाली बात जो है ना ये एक्चुअली कनेक्ट हो रही है, ये वाली, ये क्योंकि पीपल टेलिंग यू थिंग्स दे थिंक यू वांट टू हियर. बिकॉज जो बंदा काम नहीं कर रहा ना उसके लिए अगर बॉस जब पूछता है तो वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली उसको पता होता है मैं काम नहीं कर रहा. उसको ओवरकम करने के लिए वो कहता है मेरे पास तो सर बहुत ही काम है कि मुझे और काम ना दे दे, तो वो उस चीज को कर रहा होता है. लेकिन ट्रूथ आपको वहां फिर भी नहीं बता रहा. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरीके से ये भी हो सकता है कि वो कह दे कि बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड हूं मैं, लेकिन स्टिल वो अपने आप को छुपा रहा होगा. बट यस
इस सर्वे में ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट सोशल डिजायरेबिलिटी बायस अगर सिर्फ लगता है तो फिर यूजली लोग आई वाले क्वेश्चन पे अपने आप को वीक नहीं शो करते या अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अब ये हो सकता है कि आप ओवरवर्क्ड को समझते हो कि अगर किसी को ये पता चलेगा मैं बड़ा काम करता हूं तो उसको अच्छा लगेगा, यस अगेन सोशल डिजायरेबिलिटी बायस वहां आ जाता है। सोशली क्या डिजायरेबल है वो मैं काम करूं, इंपल्स टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन अ वे इन अ पॉजिटिव लाइट, तो उसके लिए ये कहना कि मेरे पास ज्यादा काम है दैट इज अ पॉजिटिव लाइट, क्योंकि अदरवाइज आपका बॉस शायद ये सोचे कि इसको तो काम ही कोई नहीं है अगर ये कह रहा नहीं मैं ओवर वर्क नहीं हूं। सो बॉसेस विल थिंक वेल ऑफ देम कि हाँ ठीक है ये तो काम कर रहा है इसको तो कोई इशू नहीं, बट यस इस सर्वे में ये इश्यूज आ सकते हैं। सर जी, सो दैट मींस बेसिकली सोशल डिसेबिलिटी इज दैट कि जो जो इश्यू होता है वही होता है कि एम्प्लॉइज जब आई सेंटर्ड क्वेश्चंस होते हैं तो दे डोंट वांट टू कम अप विद देयर वीकनेसेस इन फ्रंट ऑफ देयर बॉसेस और हूएवर, बट जब ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स एंड सपोर्ट की बात होती है तो दे स्टिल कम अप विद द ट्रुथ व्हाटएवर दे थिंक व्हाटएवर दे फील, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट कम प्रॉब्लम्स। ओके स्टिल मतलब है कि वो ज्यादातर दे पीपल ट्राई टू कम अप विद द ट्रुथ, उसमें ज्यादा चांसेस हैं बिकॉज अनकॉन्शियसली आप आई वाले क्वेश्चन पे आपका सेल्फ जो है वो डिस्टर्ब होता है और आप कहते हो नहीं मैं वीक नहीं हूं, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट एक्सेप्ट इट, और स्पेशली जब आपको पता है कि इंफॉर्मेशन कहीं और पास ऑन हो रही है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। ओके सो एम्प्लॉइज डू नॉट वॉन्ट टू टेल दैट दे हैव अ प्रॉब्लम और दे कैनॉट हैंडल अ वर्क, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड एम्प्लॉइज, सम एम्प्लॉइज कीप ऑन कंप्लेनिंग बट स्टिल ज्यादातर कहते हैं कि नहीं बताने की जरूरत नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे हम बताएंगे, जिस तरह अगर आपको पता हो कि बहुत सारे लोग एक स्किल लैक कर रहे होते हैं बट वो एडमिट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोफेशन में ही पीपल आर रिलक्टेंट टू इवन टेक टीचिंग की ट्रेनिंग्स कि हाउ टू हैंडल अ क्लास और हाउ टू टीच और हाउ टू व्हाट, वो कहते नहीं 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 हमें तो हम तो बड़े 10 साल हो गए टीचिंग करते हुए मसला ही नहीं है, बिकॉज वो नहीं इस चीज पे आना ही नहीं चाहते। सो आई क्वेश्चंस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, एनोनिमिटी इज वन सॉल्यूशन बट माइट नॉट इरेडिकेट द प्रॉब्लम। एनोनिमिटी का मतलब है कि आप उनसे नाम ना पूछें और सर्वेस करा लें तो उनको ये हो कि हमारा नाम नहीं पता चलेगा, ठीक है एक छोटा मोटा सोल्यूशन हो सकता है, बट पीपल डू नॉट वॉन्ट टू इवन थिंक ऑफ देमसेल्व्स इन अ नेगेटिव लाइट। ये हमने भी एग्जांपल की ना, ज्यादातर पीपल सेड नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सारे ओवरवर्क हैं बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं अगर ये पूछूं कि जॉब की प्रॉब्लम्स हैं कुछ है तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करें कि ये मसला है ये मसला है ये मसला है, बट जनरली ना वो ओवर वर्कड हैं और ना ही वो बर्नड आउट हैं बिकॉज आपने उस तरीके से पूछ लिया। यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफरेंटली पूछा होता तो आई थिंक वी शुड हैव गॉट द मिक्स ऑफ येसेस एंड नोस, बिकॉज जब भी आप इससे बात करो, अली ने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि जब हम बैंक में थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ आके, ठीक है दैट इज एक्सेप्शन, बट यूजली व्हेन यू टॉक टू पीपल वो कहते हैं हम तो बड़ा काम करते हैं सारा दिन बिजी होते हैं और काम काफी ज्यादा है। सो आई वाले क्वेश्चन काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं, दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। देन वी हैव अनदर प्रॉब्लम विच इज अ टेंडेंसी टू से वी अग्री as a default response, particularly when our knowledge is limited or there is no available answer fit.
बहुत सारे लोग जब क्वेश्चनर्स फिल कर रहे होते हैं हम में से भी, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रही होती क्या है, मतलब समझ इन सेंस के वो हमारी लाइफ पे फिट इन नहीं हो रही होती, सो हम उसको सीधा सीधा उससे आउट ही कर देते हैं तो बस ठीक है अग्री कर जाए। सो एग्जेक्टिव, अगर ये आप क्वेश्चन पूछते हो उससे अपने एम्प्लॉय से कि एग्जेक्टिव आर द ग्रेट रोल मॉडल फॉर एम्प्लॉयज एंड, मतलब यहां तक आपने क्वेश्चन पूछा, एंड द एम्प्लॉय डज नॉट हैव एक्सेस टू नोइंग देम एंड दिस ऑप्शन इज नॉट देयर, आपने उनसे पूछा कि आपके जो एग्जेक्टिव हैं वो बड़ा अच्छा रोल मॉडल है आपके लिए, बट उसने कभी एग्जेक्टिव से उसकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी उसको ये जानने का मौका ही नहीं मिला और ये ऑप्शन वहां नहीं है, तो आप कह दोगे यस सीधा सीधा कि हाँ हाँ बड़े अच्छे हैं बस जान छुड़ाने के लिए। तो आप ये भी देखें कि जो चीजें आप पूछ रहे हैं, आर यू आस गिविंग देम इनफ ऑप्शंस, आर यू आल्सो गिविंग देम सम काइंड ऑफ ओपन एंडेड रिस्पॉन्स, तो नहीं तो यूजली लोग टिक्स कर देते हैं और अपनी जान छुड़ा के नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे या उसको एज अ फॉर्मेलिटी खत्म कर देते हैं। If this is a problem, then survey will not tell you anything. Make sure all possible options are available. क्योंकि अगर options सारी possible options available नहीं है तो किसी एक पे तो टिक करेगा ही, कुछ नहीं तो आप ओपन एंडेड एक क्वेश्चन छोड़ दें। एक अप्रोच ये होती है यूजली कि आप नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, बट नॉट एप्लीकेबल में भी हो सकता है वो कह दे लेकिन सही जवाब आपको ना दे, so you can give them एन ओपन ऑप्शन, उससे आपको थोड़ा बहुत पता चल सकता है। एंड कॉमन प्रॉब्लम्स इज अ डबल बैरल क्वेश्चन। सर कैन यू गिव अनदर एग्जांपल ऑफ एक्विसिशंस बायस? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं ऑनलाइन लर्निंग में टीचर का कैमरा ऑन होने से लर्निंग पे इंपैक्ट होता है, या मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन लर्निंग में कैमरा का क्या इंपैक्ट है, और साथ आपको ऑप्शंस दे दूं ऑनलाइन लर्निंग की लेकिन कैमरे वाली ऑप्शन या वीडियो वाली ऑप्शन अवेलेबल ना हो, ये कोई मुझे नहीं लगा अच्छी एग्जांपल है, बट कोई और हमें हेल्प कर सकता है इधर? Think of a bias जिसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। Okay, for example, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज़ेबिस की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपके लिए इंस्पिरेशनल हैं या नहीं है, और यस और नो ऑप्शन दे दी जाए। सर आई थिंक ये तो बड़ा डिफिकल्ट सी बात है क्योंकि उनके आपके बीओजी के जो मेंबर्स हैं उनको तो हम कभी मिले ही नहीं है, मिले ही नहीं, तो विदाउट नोइंग समबडी उनको हम कैसे रोल मॉडल बना सकते हैं? एग्जैक्टली, सो इस तरह के क्वेश्चन के लिए या हम ये कहें कि डू यू थिंक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टू द यूनिवर्सिटी इंप्रूवमेंट, यस और नो? यस दैट कैन बी डन, क्योंकि जितना उनका स्पॉन्सरशिप होता है इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल या और सपोर्ट, मतलब कंसीडरिंग दैट फैक्ट हम उनको कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें यस और नो के साथ हम लगा दें आई डोंट नो, ये भी हो सकता है, तो एटलीस्ट आई डोंट नो की ऑप्शन तो हो जी। हर बंदे ने तो ये चीजें पढ़ी नहीं होती ना, बिल्कुल ठीक। अगर हम उनको ऑप्शन ही सिर्फ यस और नो देंगे तो नो तो कभी भी नहीं आएगा ना उस पे, क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है। यस आप फौरन लगा के आगे निकल जाएंगे, आई डोंट नो की ऑप्शन तो हो कम अज कम। गॉट इट सर, थैंक यू। जब हम ऑप्शन नहीं देते जो पॉसिबल ऑप्शन होती है। डबल बैरल क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इश्यू सर्वेस का होता है। आई एम मोटिवेटेड टू परफॉर्म माई बेस्ट वर्क एंड वी आर गुड एट होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल, डबल बैरल क्वेश्चन, और टू क्वेश्चंस एम्बेडेड इन वन क्वेश्चन।
इसका आंसर अगर आपसे मैं पूछूं यस और नो, इज देयर अ सिंपल आंसर? नहीं सर, आई थिंक अगर इसमें टू सम एक्सटेंड या कुछ इस तरह करके थर्ड ऑप्शन हो जाए तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है। नहीं, इसमें थर्ड ऑप्शन का इशू नहीं है सर, इसमें दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दो क्वेश्चंस। आई एम मोटिवेटेड टू परफॉर्म माय बेस्ट वर्क एंड वी आर गुड एट होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल। मे बी इसका यस हो और इसका नो हो मेरे पास आंसर, बट आई ओनली हैव दिस ऑप्शन यस और नो। दो क्वेश्चंस आ गए ना, तो इसमें सर एक समटाइम आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं होते अबाउट अपनी परफॉर्मेंस या मोटिवेशन लेवल पे, तो उसमें हम कभी इन बिटवीन नहीं कर सकते जिस तरह। वो ठीक है बात, वो आपकी रेंज कितनी है वो रेंज सही बात है, रेंज होनी चाहिए, बट दैट इज रिलेटेड टू दिस थिंग। मतलब मोटिवेटेड है ना, आप कितना मोटिवेटेड है वो तो वो चीज नहीं है, वो इसमें हम यस और नो तो नहीं कह सकते। हाँ जी, वो ये प्रॉब्लम है कि पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं है उसमें, यस और नो है पॉसिबल। लेकिन इसमें थोड़ा सा जरा क्वेश्चन पढ़ें आप, इट हैज टू क्वेश्चंस। मे बी यू आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म योर वर्क बट होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल में ना हो, यहाँ नो है यहाँ यस है। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर यस और नो नहीं हो सकता, कोई एक नहीं हो सकता। मे बी वन इज यस, अदर इज नो। एग्जाम्पल इसमें मैं एक आपको बताता हूं, मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आर यू हंग्री एंड थर्स्टी, यस या नो? इस पे सर हाफ यस हो सकता है, हाफ नो हो सकता है। समटाइम आप हंग्री हो सकते हैं, थर्स्टी नहीं, मतलब ये दोनों एक कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीजें हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीजें हैं, दिस इज अ डबल बैरल्ड क्वेश्चन। बंदा आपको सही जवाब नहीं देगा, फिर वो नो लिखे यस लिखे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थर्स्टी एंड नॉट हंग्री यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, और इफ यू आर हंग्री एंड नॉट थर्स्टी यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो होना क्या चाहिए, आपको ये पूछना चाहिए, वन क्वेश्चन, आर यू हंग्री, यस नो। सेकेंड क्वेश्चन, आर यू थर्स्टी, यस एंड नो। If you merge these two questions into one question, that means you're making it a double-barreled question. For example, हम कभी गुस्से में किसी अपने employee से पूछे तुमने नौकरी करनी है कि नहीं करनी? That's a double-barreled question. खैर वो sarcastically तो ठीक है, but अगर वो yes कहता है तब भी मसला है, no कहता है तब भी मसला है। So, इस तरीके से डबल बैरल आपके क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। दीज आर टू सेपरेट ऑब्जर्वेशंस एंड टू कंपोनेंट्स दैट आर टोटली अनरिलेटेड और मे बी 180 डिग्री डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सो आस्किंग सिंपल सिंगल बट मीनिंगफुल क्वेश्चन विल वर्क बेटर। राइट, सो डबल बैरल क्वेश्चन का इशू। एंड मोस्ट ऑफ द सर्वेज हैव दिस एम्बिग्विटी। आपकी जो लैंग्वेज ऑफ सर्वेज है दैट इज सो डिफिकल्ट, और मे बी द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग आर सो डिफिकल्ट कि अगले बंदे को समझ नहीं आती। अगर पढ़ता भी है तो, पहले तो पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़े भी तो समझ नहीं आती, तो फिर आंसर आपको ठीक नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, Any one of you can answer this question. मुझे इसका जवाब बताएं। At least एक दफा दो दफा पढ़ने से आपको इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या कहना चाह रहा है। सर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर करने लगे तो भूल जाते हैं। एग्जैक्टली, एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको यू लूज द कॉन्सेप्ट, यू लूज द अंडरस्टैंडिंग। हालांकि कुछ ना कुछ इसका मीनिंग तो बनता होगा। आई डोंट फील
that my company fails to provide adequate resources to enable me to do my job. So I don't feel my company fails. Ambiguity. The question is not clear. We cannot understand this kind of question easily. So confusion in your questions or ambiguity in your questions can also be one of the problems in assessing engagement or motivation. Right? So ye char cheezein jo hain, these can give us a lot of problem while assessing motivation. इस पे किसी की कोई बात, कोई कमेंट, कोई चीज है तो बताएं. इसके बाद वील मूव टू अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक. सर, इसके अंदर जो एक वो था सर, इससे पिछली स्लाइड करते हैं, दो स्लाइड्स पीछे सर, इससे भी एक पीछे सर ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायस पे एक चीज शेयर करना चाह रहा था अभी. अपना मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एनोनिमिटी की बात हो रही थी. तो हमारे यहाँ भी बैंक में उन्होंने किया कि एक सर्वे था, उन्होंने सर्वे ऑफ एंड ऑन करवाते रहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बेनिफिट्स क्या दे रही है, मतलब ये मोटिवेशन के लिहाज से किस तरह इम्प्रूव करें, किस तरह कुछ करें. तो उसमें मैंने तो सारा कुछ खुल के बताया कि यार हाँ यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. और मैंने दूसरे लोगों को भी कहा, मैंने कहा देखो यार इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को बताओ, ऑर्गेनाइजेशन इसी से सीखेगी और एनोनिमिटी भी इसमें रहेगी. तो सर वो उसमें लिखा हुआ था, और वो थर्ड पार्टी जैसा KPMG वगैरह ये लोग करवाते हैं ना. जी जी जी. तो वो ऑब्वियसली वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, वो आपको कभी भी आपका जो आईडी है वो आउट नहीं करते. लेकिन स्टिल लोग इतना डरते हैं, वो कहते हैं नहीं अगर हमने बता दिया कुछ पता नहीं आईटी ने हमारे जो आईपी एड्रेस हैं वो किए हों ट्रैक, हमें अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा बता दिया ना तो कुछ नहीं पता, हमें पकड़ लें वो, या ये शायद झूठ बोल रहे हैं कि ये एनोनिमिटी है लेकिन हम पकड़े जाएंगे. और उन्होंने कहा जी जी सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है. तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि लोग घबराते हैं सच बोलते हुए भी, कि ये फंस जाएंगे हम कहीं ना कहीं. बिल्कुल ऐसे ही है. देखें आईटी तकरीबन हम सारे थोड़ा बहुत जानते हैं. सो इवन अगर आप ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स है, मैं आपको कोई क्विज देता हूं गूगल फॉर्म्स पे, उस पे मेरे पास एक ऑप्शन है टिक करने की, मैं टिक कर दूं कि कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. तो जिस ईमेल से आपने साइन इन करके गूगल सर्वे भरा होगा वो आपका ईमेल एड्रेस मेरे पास आ जाएगा, तो एनोनिमिटी तो खत्म हो गई ना. जी सर. आईपी एड्रेसेस हैं आपके, आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस में आपको कनेक्शंस मिलते हैं वाईफाई कर इन चीजों के, वो क्लियरली आपके पास डेटाबेस में पड़े होते हैं कि किस आईपी से कौन सी चीज किधर राउट करके जा रही है. सो इफ समबडी वांट्स टू आइडेंटिफाई दे कैन आइडेंटिफाई. सो जो आपकी एनोनिमिटी है दैट इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें भी जैसे आपने बताया लोग यस घबरा रहे होते हैं आंसर करने में. दीज फोर थिंग्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन असेसिंग. इनको करेक्ट कर लें, असेस कर लें बेहतर तरीके से लोगों की एंगेजमेंट एंड बेहतर तरीके से मोटिवेशन, देन यू हैव अ चांस. रिसर्च जो हमने बात की कि किन किन चीजों से मोटिवेशन जो है इंक्रीज हो सकती है, उसको अब हम दोबारा थोड़ा सा रिलेट करेंगे. बट हम यहां फोकस ये कर रहे हैं एंड वी एग्री टू दिस थिंग दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट. वी आर अज्यूमिंग द मैनेजर्स और द सुपरवाइजर्स, वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग. That is why we will be moving forward for the question how managers can motivate their employees, which means their immediate bosses. Okay, so in order to start motivating your people, before even you get to the techniques of motivation or tools of the motivation, you need to understand one thing. Relationship with your people, with your employees,
especially relationship of managers with the employees is very, very important. Nobody is going to believe, trust you if you have not yet developed a relationship. You never ever talk to the person about everything in the very first meeting. It is very rare. It takes a lot of small relationship building activities, and then you actually build the trust. It is not the first time. First time agar ho raha hai, to shayad usme koi issues hai. Manager ko time lagta hai relationship build karne ke liye har kisi ke saath. Now, I'm sure you're clear about incremental effect and radical effect. Incremental, small changes. But many small changes are combined to make a radical change. सर लेकिन रेडिकल आप उस सेंस में भी नहीं कहते कि जो एकदम अब्रप्ट हो जाए, और इंक्रीमेंटल इज अ कांस्टेंट थिंग जो स्लो एंड स्टडी होती है, और रेडिकल मतलब ये एकदम अप एंड डाउन। हाँ, वो इस तरह कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली जब स्पेशली जो इनोवेशन में यूज करते हैं या रिलेशनशिप में यूज करते हैं, तो उसमें हम रेडिकल इस पूरे उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज का जो टेलीफोन है, दैट्स अ रेडिकल चेंज, but it did not happen overnight. It did not happen in 1 year. There were many small steps involved, incremental steps. Aista aista karte karte now we have this mobile phone. Pehle khali shayad voice aayi, phir sms aaya, phir camera aaya, phir karte karte now you have a very good mobile phone in your hand. If we talk about relationships, relationships are also built by small talks, by incremental building of relationship. So managers क्या कर सकते हैं? Continual basis पे they can ask their employees some questions. Simply, how's the work going? Are you happy? Do you need anything? What have you done in the last week? What happened about that project? Some leaders, some managers also use the tactic of involving families. How's your family? Bacche ka pooch liya. So, aapko sabse pehle relationship build karna hota hai. In order to build relationship, you don't have enough time कि आप एक दिन एक बंदे को सारा दिन अपने पास बिठाई रखें और उससे relationship build हो जाए अगले दिन आपका. You don't have the time, and this is not the way of building relationships. It takes time. So on regular basis with everybody who's in your span of control, you can ask them this question: are you feeling happy or not? Are you satisfied? Are you okay? What tasks are you doing? ये बड़ी अच्छी टेक्निक है इनिशियली आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, एंड साथ साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम हमने जो बात की थी कि अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च एंड टेकिंग द इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच. सो व्हेन यू टॉक टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यू अंडरस्टैंड देयर स्टाइल, you understand their relationship building mechanism, you understand how they react to certain things, you also understand their personalities. And if you keep observing it, it is going to help you in knowing those people better, first of all, and knowing how to motivate those people better. ये key है. This is how we are going to start. ये क्या करेगा, हमें कैसे हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प नोइंग द इशू रिलेटेड टू ईच इंडिविजुअल
and will help build relationship. So knowing people and building relationship, this is going to give you these two advantages. Relationship building is not a one event magic, but a series of small interactions will eventually lead to a strong relationship. So don't think you can inspire somebody the next day he or she has joined. Don't think that people are going to trust you the next day they have joined. Yes, they're going to obey you, but they are not going to trust you. जो हमने लास्ट टाइम वो उसका मैनेजमेंट और लीडरशिप का डिफरेंस भी पढ़ा. सो मैनेजमेंट में हो सकता है कि वो बड़ी जल्दी आपके कंट्रोल में आ जाएं, बट एज अ लीडर आप इन्फ्लुएंस करने लगे हैं, आप उनको मोटिवेट करने लगे हैं, दिस विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. एंड हाउ यू कैन बिल्ड दिस? यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप विच इज नॉट अ मैजिक इवेंट. इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड स्मॉल इंट्रैक्शंस to build a strong relationship. Maybe for some people it takes, let's say, 3 months, but for some people it might take a year. But overnight and within days or weeks, ye cheez nahi ho sakti. So this is the first thing that you need to do. Now, understanding common motivators. अगर आप में से कोई मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दे कि कॉमन मोटिवेटर्स क्या क्या हो सकते हैं और हाउ. अभी तो हमने काफी खैर इस पे बात कर दी है तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, बट अच्छे मोटिवेटर्स काम पे क्या क्या हो सकते हैं? सर मॉनेटरी टर्म्स में या अदर देन मॉनेटरी, जो आपके जहन में पहली. सर सबसे पहले तो आपको जीरो फाई करने के लिए तो वही जो आप लास्ट से लास्ट क्लास में बात हुई थी कि एक बैलेंस लाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो आपको मॉनिटरी चीजें चाहिए. उसके बाद आपकी जॉब के अंदर आपकी चैलेंजिंग थोड़ी सी हो जॉब वगैरह, ठीक, कि आपको अपना ना वैल्यू फॉर टाइम आपको लग रहा हो कि यार आप जॉब पे जा रहे हो, आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद आपका सर ये भी होता है कि एट टाइम्स आपको थपकी भी बड़ा मैटर कर जाती है कि आपके जो बॉस होता है वो सिर्फ ये कह ले कि आगे अगला बंदा उसको रिकॉग्नाइज कर ले, रिकॉग्निशन हम कह सकते हैं. और लास्टली सर मैं एक चीज आखिरी चीज ये कहूंगा कि जो प्रोमिसेस होते हैं ना आपका बॉस जो करता है वो नहीं तोड़ने चाहिए, बिकॉज वो बहुत अव्वल तो मतलब वो मोटिवेट आपको करता तो करता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप पहले कर दो कि यार मैं तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, और उसके बाद वो कर नहीं सकता, मतलब आपने उससे मांगा नहीं था कि आप वो करके दे, लेकिन उसने कह दिया और आप वो नहीं करता, तो वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है कि बाद में फिर आपका दिल ही नहीं करता काम करने का. ठीक हो गया, बिल्कुल सही जी. सभा ने हमें बताया करियर ओरिएंटेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, इन्होंने बताया मॉनेटरी वैल्यूज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीमेंट्स एंड बोनस सर ये भी दोनों चीजें. ठीक, बोनसेस एंड इंक्रीमेंट्स. ठीक सर, ट्रस्ट इन ओपन ओपन लाइक एनवायरनमेंट जहां पीपल कैन कम अप विद देयर इनोवेटिव आइडियाज और यू नो सम सॉर्ट ऑफ उनका भी फीडबैक हो या उनकी से हो इन certain areas जहाँ पे उनकी मतलब limited to them decision making participation. ठीक हो गया. अब जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम generally सोचते हैं organization के पास motivators कौन-कौन से हैं. So what are the first things that come to our mind? So recognition and rewards. Rewards? किस तरह के rewards? Sir, whatever you are giving the input, first of all, you are being recognized at some certain level. Mm-hmm. And then, as an output, you are being rewarded, for example, promotion, bonuses, commendation letters.
ठीक, सो बोनसेस एंड सैलरीज और प्रमोशंस ठीक है, करियर प्रोग्रेशन बिल्कुल सही। जहीर अब्बास कह रहे हैं चैलेंजिंग टास्क एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है, चैलेंज एंड रिवॉर्ड ऑब्वियसली, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड अदर थिंग्स, ठीक हो गया। कॉमन मोटिवेटर्स, इन सारी चीजों को अगर हम सम अप करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो ये दो ही बनते हैं हमारे सबकी नजर में जो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, राइट। पहली बात हम ये देख लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो हैं उनका क्या रोल है मोटिवेशन में। अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग, इट टेक्स मोर देन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स टू इंस्पायर पीपल और मोटिवेट देम। वी आर नॉट सेइंग कि इनका कोई फायदा नहीं है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड का कोई फायदा नहीं है, बट उनके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। सो जनरली व्हेन इट कम्स टू मोटिवेटिंग पीपल, पीपल थिंक ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स लाइक पे हाइक्स, प्रमोशंस एंड बोनसेस। अभी जब हमने भी बात की तो ऑलमोस्ट एवरीबडी सेड दीज थिंग्स। They are effective, but they are not more effective than the intrinsic rewards. इस पे हमने पहले भी बात की हुई है। So managers, because हमने last time अगर आपको याद हो कि managers ने ही अगर इनको motivate करना है तो फिर extrinsic reward तो manager के उसमें होते ही नहीं है। जी सभा, extrinsic rewards are not long term motivators, yes. So managers are usually left with the intrinsic reward tools to motivate, and they are fully in their control. That's the main point. Extrinsic तकरीबन किसी के control में fully नहीं होते, even organization भी चाहे और सारे मैनेजर्स भी चाहें तो किसी हद तक उनके हाथ में भी चीजें नहीं होती, बिकॉज आपने इवन सैलरी वगैरह और ये सारी चीजें इवेंचुअली प्रूव करानी होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से, वो नहीं करते प्रूव खत्म। सो जो फुली कंट्रोल में आपकी चीजें हैं मैनेजर के स्पेशली, दैट इज द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। देन ये आपके पास एक रीडिंग है, मैं आपको भेज दूंगा, इसको आपने नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ लेना है ताकि हम इस पे फिर थोड़ी सी बात कर सकें, बट थोड़ा बहुत इसको हम अभी डिस्कस भी कर लेते हैं। Why incentive plans cannot work, क्या उनके मसाइल है। Extrinsic rewards are motivators, yes. बट जैसे अभी सभा ने भी कहा एंड सम अदर पीपल ऑल्सो सेड, कैनॉट क्रिएट कमिटमेंट। ये क्या क्रिएट करते हैं, टेम्पररी कंप्लायंस। वंस द रिवॉर्ड रन्स आउट और रिवॉर्ड्स रन आउट, पीपल रिवर्ट टू देयर ओल्ड बिहेवियर। रिमेंबर इन द फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास when we were talking about extrinsic rewards, for example aapki salary if it has increased from 100,000 to 150,000, very soon you will start thinking that this is my right, what else, ye to mera banta hi banta hai, ab iske alawa kya cheez hai। So that thing is usually known as temporarily compliance to engagement. ठीक है, create करते हैं, but इसका ये issue है। The moment rewards run out, people revert to their behavior.
वापस पहुंच जाते हैं कि नहीं बस ठीक है ऐसे ही है। देन इसका सबसे बड़ा इशू ये भी है कि देयर इज अ लिमिट टू इट। यू कैन नॉट गिव पीपल इंक्रीमेंट्स और बोनसेस एवरी डे, बट पीपल हैव टू वर्क एवरी डे, पीपल शुड बी एंगेज्ड एवरी डे। मे बी ओवरऑल मोटिवेशन में इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, दे आर मोटिवेटर्स, बट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज द इशू, वो क्रिएट नहीं होती इनसे। Rewards and benefits does matter, as we can see in the list of desired benefits in the next slide, especially when it comes to attracting and retaining people. Now, इस चीज को जरा थोड़ा सा गौर से देखें। ज्यादातर वो हाइजीन थ्योरी वाला मसला आ गया कि अगर आप टोटली इनको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये रिवॉर्ड्स से मोटिवेशन आती नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग थॉट और अ रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। क्योंकि जितने भी सर्वेज होते हैं जॉब स्विच के, जॉब रिटेंशन के, कमिटमेंट के, उसमें लोगों को ये पूछा जाता है कि किन वजहों से आपने जॉब स्विच किया, कैसे किया, कौन से बेनिफिट्स ने आपको अट्रैक्ट किया। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बट ये मैटर करती हैं अपने लोगों को अट्रैक्ट करने में जो नए लोग आ रहे हैं, और फिर रिटेन रखने में, बिकॉज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जो है वो आपकी जॉब स्विच में या टर्नओवर में बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपको उतने रिवॉर्ड्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कहीं नहीं मिल रहे, तो समटाइम्स आप ना चाहते हुए भी उधर रहते हैं, बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू गेट सेम रिवॉर्ड्स और मे बी अ लिटिल हायर रिवॉर्ड्स एक्सट्रिंसिक, यू आर गोइंग टू मूव। सर जी, सर बट अगेन व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग देन इट वुड वर्क fine, I guess, because you need to attract new talent, and sometimes you're attracting the best player of your competitor. But when it comes to retaining the same, again, it won't be that effective, or you can say, because as soon as the reward would run out, again, वो demotivate हो जाएगा and वो अपना हक समझने लगेगा। जी, वो तो है, लेकिन उसको अगर आप हर साल increment और bonuses, for example, bonus का होना itself is a retention strategy. Okay, got it. है ना, तो मतलब retention तो आपकी किसी ना किसी form में ये कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल्कुल important नहीं है और सारी की सारी retention की वजह से होती है, but mostly survey की base पे हमें results मिले, उसमें actually कुछ इस तरह के results आ रहे हैं कि कौन से benefits and कौन सी चीजें जो हैं वो लोगों को बेहतर लगती हैं। द मोस्ट डिजायरेबल एम्प्लॉई बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं दे आर मोस्ट डिजायरेबल, सीकर्स फेस्ड विद हायर पेइंग ऑफर्स दैट कम विद फ्यूअर एडिशनल एडवांटेजेस। एज पर आवर स्टडी वी गेव 2000 यूएस वर्कर्स रेंजिंग इन एज फ्रॉम 18 टू 81 अ लिस्ट ऑफ 17 बेनिफिट्स। ऑब्वियसली यूएस का ही सर्वे ऑथेंटिक हमारे पास अवेलेबल है, उसी को डिस्कस करें। Ask them how heavily they would weight the option when deciding between a high-paying job and a lower-paying job with more perks. So, कौन से जो benefits हैं? We are not talking about salary, please. Salary means कि वो जो आपको wage या salary मिल रही है वो लेता है। Benefits की सिर्फ बात हो रही है। Benefits पे लोग जो है वो किस तरह response कर रहे हैं? So अब अगर आप इसको देखें तो बेटर हेल्थ डेंटल एंड विजन इंश्योरेंस, कितने लोगों ने 88% ऑफ द पीपल सेड यस, हैवी कंसिडरेशन जो है वो इस तरफ लोगों ने की है। मोर फ्लेक्सिबल आवर्स, यस। मोर वेकेशन टाइम, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, अनलिमिटेड वेकेशंस कुछ लोगों ने कहा, स्टूडेंट लोन असिस्टेंस, ट्यूशन फी, पेड मैटरनिटी, फ्री जिम मेंबरशिप, फ्री डे केयर सर्विसेज, फ्री फिटनेस योगा, फ्री स्नैक्स, फ्री कॉफी, कंपनी वाइड रिट्रीट्स, वीकली फ्री एम्प्लॉई
आउटिंग, ऑन साइट जिम एंड टीम बॉन्डिंग इवेंट्स, ये सारी चीजें लोगों ने इस पर रैंक की हैं। दैट मीन्स ये मैटर तो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप को आप देख लो तो दिस इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड और फाइनेंशियल बेनिफिट, तो ये मैटर तो करता है। बट इट हैज अगेन सम इश्यूज। मनी कैन बी अ मोटिवेटर बट इट डज नॉट बिल्ड कमिटमेंट एंड कैन ऑल्सो इनकरेज रॉन्ग बिहेवियर। That is also a problem of extrinsic rewards. इसमें आप eventually मुझे बताएंगे क्या चीजें ठीक हैं या नहीं है, या आप इस पे क्या बात करते हैं। For example, first one, such as कौन कौन से behavior आपके wrong होते हैं, cutting ethical concerns or sometimes window dressing to earn a bonus. Do we do that? Do employees do it? Yes, sir. जी, बाकी लोग जो bonuses वगैरह earn करने के लिए या अच्छा increment लेने के लिए sometimes we go out of ethics. जी सर, लोग जाते हैं बहुत ज्यादा। By saying no, generally sabha, ठीक है, if you think so, ठीक है, but ज़्यादातर लोग जो हैं, generally competitive environment होता है, तो फिर लोग कर रहे होते हैं, कुछ लोग कर रहे होते हैं, किसी तरीके से भी उसको उसके बाहर निकल के कोशिश करते हैं, किसी ना किसी तरीके से bonuses win कर लें। लेकिन सर ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। एक या दो दफा तो आप आउट ऑफ द वे जाके इस तरह अर्न कर सकते हैं, बट उसको आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, रिवील हो जाता है ये, इसकी इफेक्टिविटी नहीं रहती। हाँ ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो उसको तो वही तो प्रॉब्लम है कि वो फर्दर नुकसान देता है, बिकॉज आप अटैच कर देते हैं उसकी एंगेजमेंट या उसकी परफॉर्मेंस के साथ जब ये चीजें, तो वो फर्दर अनएथिकल हो जाता है। हो सकता है वो एथिकल बंदा ही हो, लेकिन रिवॉर्ड विन करने के चक्कर में, दूसरे को कम्पीट करने के चक्कर में, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम जिस तरह अबू बकर ने एक एग्जाम्पल दी थी, फोर्स्ड रैंकिंग सिस्टम जो होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। फोर्स्ड रैंकिंग सिस्टम का मतलब ये है, दिस इज योर 50%, this is your 100%, this is your 0%, इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो एक बिल्कुल नॉर्मल कर्व बनना चाहिए, which means कि आपके 10% लोग टॉप में आएंगे, 10 इसमें आएंगे, 10 इसमें आएंगे, 10 इसमें आएंगे, और करते करते आपको कोई ऐसे भी होंगे जिनको आपको ये कर्व देनी पड़े, जिनको पुअर भी कहना पड़े। तो लोग क्या करते हैं, इस कर्व में आने के लिए मे बी वो बॉस को ज्यादा प्रेज करना शुरू हो जाएं, अपना काम छोड़ के बॉस का काम करना शुरू हो जाएं, मल्टीपल अदर थिंग्स कैन हैपन जस्ट टू अर्न दोज रिवॉर्ड्स, मेरा अप्रेजल जो है वो ठीक लग जाए। एंड यू कैन ऑल्सो गेम द रिवॉर्ड सिस्टम। ये तो सिर्फ एथिकल कंसर्न की बात कर रहा है, आप हो सकता है इसमें किसी भी तरीके से रिवॉर्ड सिस्टम के साथ प्ले करें और अपनी जो रैंकिंग है या अपना जो अप्रेजल है वो आपका बेस्ट लग जाए। इसपे सर रॉन्ग रिपोर्टिंग भी आती है, सम टाइम आपने उतने अचीवमेंट्स नहीं की होती बट आप उसको ज्यादा रिपोर्ट कर रहे होते हो, लिख देते हैं। हाँ लिख देते हैं, मसलन अगर आपकी सेल्फ रिपोर्टिंग है और आप क्या करते हो कि आपको अगर बॉक्सेस मिले हुए हैं, हर बॉक्स में क्या लिखना है, तो मैं भी लोग ऐसे ही इसमें फिल इन कर दें कुछ ना कुछ, ताकि हर बॉक्स में नंबर लगाते वक्त आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 2 तो लग जाएं, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो 0 ही लगेगा। सो इस तरह की बड़ी रैंकिंग होती है जिसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आपको बहुत सारे सर्वेस के टाइप्स हैं, बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल मिलता है,
बार्स के नाम से, तो उसमें आप सारी ही अपनी यस 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 वाली कैपेबिलिटीज लिख देते हो कि हाँ, अगर आपका एम्प्लॉई फिल आपका सॉरी बॉस फिल कर रहा है तो फिर आप उसको इस तरीके से प्रेज करते हो या गेम करते हो कि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर लिख देता है। बट पीपल कैन गेम द रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती बट आपकी जो डॉक्यूमेंट्री उसमें एविडेंस है वो शायद इंप्रूव हो जाता है कि आपने बड़ा काम किया। देन अनदर प्रॉब्लम इज कि आप जब टेंशन कैन रन हाई व्हेन टीम्स आर रिवॉर्डेड एंड नॉट द इंडिविजुअल्स, यहां पर वो इक्विटी थ्योरी के इश्यूज आ जाते हैं। आप कहते हो टीम में काम, तो मैंने भी एक होती है जिसको कहते हैं सोशल लोफिंग, किसी को अगर आइडिया हो। सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ये वो एम्प्लॉय है जो सर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मुझे आइडिया है इसका बट इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि पढ़ाने वाले बंदे कुछ ना कुछ याद रह जाता है। जी सर आइडिया है बट आई कैन नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। आई थिंक सर वो एम्प्लॉय है टीम के अंदर, वो एम्प्लॉय है जो करता कुछ नहीं है और वो रिवार्ड भी लेता है और वो शो ज्यादा करता है काम। सर जो लो परफॉर्मर्स होते हैं ना टीम में उनको बोलते हैं। ठीक, एक्चुअली बेसिक थ्योरी ये है सोशल लोफिंग की कि अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो लेट्स सपोज आप उसी प्रोजेक्ट पे 10 की एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आपको टीम में डाल दिया जाता है व्हेन यू आर इन टीम्स ग्रुप में आते हैं तो आप इससे लेस एफर्ट एग्जर्ट करते हैं बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी शेयर्ड होती है। इंडिविजुअल में आप समझ रहे होते हो कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप ज्यादा एफर्ट लगाते हो एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर गिवन अ ग्रुप टास्क एंड व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। सो ये जो एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है ग्रुप में काम करते वक्त लेस एफर्ट करने का, दिस इज नोन एज सोशल लोफिंग। आप इसको फ्री राइडर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स की जुबान में जब तीन का ग्रुप बनाया जाता है, एक काम कर रहा होता है और दो हैं सिर्फ वो पार्ट ऑफ द ग्रुप होते हैं, काम नहीं कर रहे होते या बहुत कम एफर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू व्हेन यू गिव देम इंडिविजुअल असाइनमेंट्स, फिर उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है। सो यहां ये वाले इश्यूज आ सकते हैं और टीम्स में और ग्रुप्स में तो इश्यूज आते हैं बिकॉज अचीवमेंट जो होती है दैट इज अ टोटल अचीवमेंट, इट्स नॉट इंडिविजुअल अचीवमेंट, इट्स अ ग्रुप अचीवमेंट। रिवॉर्ड मिलते हैं पूरे ग्रुप को एक जैसे मिलते हैं, तो जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है, देखो आप इसको जरा कंपेयर करो कि एक टीम है उसने कोई कोई प्रोजेक्ट था और वो पूरा प्रोजेक्ट सही कर लिया, सही हो गया, किसी भी एक मेंबर को आप उसमें इग्नोर नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू गिविंग देम रिवॉर्ड्स व्हिच मींस एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, बट इंट्रिंसिक से आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हर बंदे को। मे बी आप इस बंदे को ज्यादा प्रेज कर दें, इसको थोड़ा सा कम कर दें, इसको और ज्यादा कर दें, इसको सबसे ज्यादा करें और इसको बस हल्का सा नाम लेके छोड़ दें। इंट्रिंसिक में यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ अप्रेजिंग पीपल इंडिविजुअली, बट एक्सट्रिंसिक में ये ऑप्शन तब तक अवेलेबल नहीं होती। So that's an issue. If you get used to it, ये एक और बहुत बड़ा extrinsic reward का issue. If you get used to it, which means आपका from last one year 100% लग रहा है appraisal. Last year आपने काम नहीं किया, suppose. एंड आपका फेयर सिस्टम के मुताबिक 50% अप्रेजल लगा है, दिस इज गोइंग टू डीमोटिवेट यू बिकॉज यू गॉट यूज्ड टू इट। इवन फेयर असेसमेंट एंड रिवॉर्ड कैन हर्ट यू इफ दे आर लेस एज कंपेयर टू योर लास्ट ईयर रिवॉर्ड्स। बजाय काम बेहतर होने के आपका काम खराब हो जाता है, ऑल्दो आपकी वजह से ही भी, वैसे तो अनफेयर है तब तो होता ही है,
बट अगर फेयरली भी किया है तो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि मेरी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में लो हुई है, खैर है कोई मसला नहीं, मैं उसको ठीक करूं. मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट मोर डीमोटिवेशन देन द मोटिवेशन. दे डू नॉट टेक इट एज अ फेयर सिस्टम, दे स्टार्ट टेकिंग इट एज अ पनिशमेंट. सो ये इसका एक और बहुत बड़ा इशू है. अच्छा जी, देन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स माइट नॉट मैच इफ यूज्ड फॉर मोटिवेशन विद व्हाट विद मेनी एचआर एंड कॉम्पेंसेशन सिस्टम्स. अगेन देर इज अ लिमिट टू दीज थिंग्स. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की देर इज अ लिमिट. एज वी सेड, अगर एक बंदे ने कोई बहुत बहुत ही अच्छा काम किया है तो फाइनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऐसा है जिसने लेट सपोज कंपनी को कोई ऐसी न्यू प्रोडक्ट डेवलप करके दे दी है जो आने वाले टाइम में कंपनी को 2 बिलियन का फायदा दे सकती है. मोस्टली कॉम्पनसेशन सिस्टम्स इसको जो कॉम्पनसेट करेंगे वो मे बी थाउजेंड्स में कर रहे हों, फ्यू थाउजेंड्स, लेकिन एक्चुअली उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इतने बिलियन की है. इंट्रिंसिक से आप उसको कर सकते हो डिफ्रेंशिएट, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की कोई ना कोई लिमिट होगी, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, तो सिस्टम आपको खुद भी बाउंड कर देता है. और अगर आप ये काम करना चाहते भी हैं तो आपके एचआर के बहुत सारे फंक्शंस, आपके कॉम्पनसेशन के बहुत सारे सिस्टम्स विल नॉट अलाउ. फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ यू आर परफॉर्मिंग बेटर देन योर बॉस एंड योर सैलरी और बोनसेस बी मोर देन योर बॉस? नो सर, दैट इज नॉट पॉसिबल. वो बहुत सारी और चीजों को वायलेट करेगा. You cannot reward everything in monetary terms or in financial terms. Sometimes you need to follow the policies. Wo policies distort hoti hain agar aap financial system ko change karne lago ya limit se bahar nikalne lago. That is an issue. Another problem is that every quantitative value is also qualitative when it comes to rewards. For example, 100,000 rupees bonus काफी है या नहीं? Maybe for one person it is enough. जी अस्लाम, ठीक है सर, अच्छा है. जो गरीब लोग हैं जिनकी सैलरियां कम है उनके लिए अच्छा है, मेरे जैसे कोई ना. लेकिन हो सकता है कि इट डजंट मैटर टू समबडी, सम अदर पर्सन. सो यस, इसको हमने पे के साथ अटैच किया होता है और पे के साथ आप इसको कर रहे होते हैं कि जितना पे वेरिएशन होती है लोगों की उसमें उतनी ही बोनसेस और वो चीजें मिल रही होती हैं. बट फिर भी मे बी किसी के लिए रिवॉर्ड काफी हो, किसी के लिए रिवॉर्ड काफी ना हो, मोटिवेट होने के लिए या इंगेज होने के लिए या कुछ. कुछ कंपनीज ने इसको जी सर, मैं छोटी सी एक बात रेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सर आपने शुरू में मेंशन किया कि मनी जो है वो कमिटमेंट बिल्ड नहीं करती, तो क्या सर कमिटमेंट को हम बहुत जनरलाइज नहीं कर रहे? कंटिन्यूस कमिटमेंट वहां पे होती नहीं है. अगर हम बात करें कि इफेक्टिव कमिटमेंट वो जनरेट नहीं करती, कि वो इमोशनली ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस कमिटमेंट तो होती है कि जब तक उन बेनिफिट्स को या उस पे को या उस कैश को जब तक कोई और मैच नहीं करता तब तक वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. तो सर उसको कंटिन्यूस कमिटमेंट के डायमेंशन के अंदर लेके आ सकते हैं ना? बिल्कुल, कंटिन्यूस कमिटमेंट होती है. कंटिन्यूस कमिटमेंट होती है तो हम एक्चुअली जो हमने ये बात की थी ना, सॉरी मैं एक मिनट सिर्फ, ये वाली बात. यस यू आर राइट, कंटिन्यूअस कमिटमेंट है
बट कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट आपको पता है टोटली इकोनॉमिक होती है ना, इकोनॉमिक बेस्ड होती है, कितने पैसे कहीं और नहीं मिल रहे। Exactly, sir. जब तक वो उसको मैच नहीं कर रहा होता। The moment the employee is going to get more benefits, वो मूव कर जाएगा अगर सिर्फ कंटिन्यूस कमिटमेंट डेवलप की हुई है। सो हमने ये कहा कि वो है, जरूरी है रिटेन रखने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए बीवन, उससे तो हम डिसएग्री नहीं कर रहे, बट उससे काम। अब अली आप भी मुझे बताएं और बाकी जिनको कंटिन्यूस कमिटमेंट की समझ आई है वो भी मुझे बताएं, डू यू थिंक अ पर्सन हु हैज कंटिन्यूस कमिटमेंट, 100% कंटिन्यूस कमिटमेंट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल? Or also engaged or motivated? So I think it can. Okay. ऐसा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में जो इस वजह से नहीं छोड़ के जा रहा कि मुझे कहीं और बेनिफिट्स और सैलरी इतनी नहीं मिल रही, मेरे इकोनॉमिक लॉसेस हैं, क्या वो एंगेज्ड एम्प्लॉई है, क्या वो मोटिवेटेड एम्प्लॉई है? नो सर, वो आई मीन उसके उसके पास ही डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आई एम श्योर उसके पास ऑप्शन होगी चला जाएगा तो वो बिल्कुल। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें इर्द गिर्द बहुत सारे लोग छोड़ के नहीं जाते और वो अच्छे वर्कर भी नहीं होते, और छोड़ के इसलिए नहीं जाते कि उनको कहीं और सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, बट दैट डज नॉट मीन कि वो काम भी ठीक कर रहे हैं। सो फॉर जस्ट रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग पीपल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स काम आते हैं, यस कंटिन्यूस कमिटमेंट ये बिल्ड करते हैं, बट जो दूसरी नॉर्मेटिव और अपना कौन सी है थर्ड टाइप सर इफेक्टिव कमिटमेंट, इफेक्टिव कमिटमेंट स्पेशली वो डेवलप नहीं होती एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड से। सर इसके अलावा जी अस्सलाम, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सर, सिर्फ जरूरी नहीं है कि उसे कोई और ऑप्शन ना हो उस बंदे के पास। ये भी हो सकता है कि जिस जॉब पे वो है वो उसे जब जिस टाइम भी कहीं छुट्टी चाहिए हो वो मिल जाए, तो इस वजह से वो उसके लिए शायद पैसा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मैटर ना करता हो, और कहीं जाना हो तो उसे छुट्टी मिल जाए तो ये उसके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव चीज हो। वो बेनिफिट है ना उसका। जी जी वो भी बेनिफिट ही है। So yes, benefits तो करते हैं। अभी जो हमने benefits देखे हैं उसमें भी साफ साफ था कि unlimited holidays, unlimited vacations या work from home, तो yes, वो matter करता है चीजें। So then some qualitative things are also, quantitative things are also qualitative, तो इसमें भी हो सकता है कि issue आ रहा हो। यही बात हम दोबारा करने लगे हैं, वी कैन नॉट टोटली इग्नोर दीज रिवॉर्ड्स, द एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दे हैव देयर ओन प्लेस एंड दे आर अ मोटिवेटर, दे माइट ऑल्सो एंगेज पीपल, बट द आइडिया इज दैट ओनली इफ यू कीप अ फेयर सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। सो व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपको करना क्या है, we just need to have a fair system. Actually, अब हमने कहा important तो है, लेकिन इसमें करना क्या है? The idea is कि आपका जो extrinsic reward system है, उसको सिर्फ आपने ये देखना है कि वो fair system पे भी base करता हो। अगर ये है, तो this is fine. इसमें ऐसे issues नहीं है। It will help reduce demotivation and dissatisfaction. जो हाइजीन फैक्टर्स हमने पढ़े और इक्विटी थ्योरी पढ़ी एंड अभी हमने पढ़ा के अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए। द आइडिया इज दे आर हेल्पफुल, बट इनको कैसे यूज कर सकते हैं? बाय जस्ट कीपिंग अ फेयर सिस्टम। ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट to measure individual performance, जो अभी पहले भी हम बात करके आए कि projects and team में
who will be rewarded more? For example, एक बिल्डिंग बनी है तो आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर, किसको ज्यादा रिवॉर्ड करें, किसको कम करें? एक्सट्रिंसिक में जो है वो इवन मेजरमेंट के भी इश्यूज हैं. अगर आप फिर सिस्टम डेवलप कर लेते हैं दैट इज इनफ, बाकी चीजें खैर है. इधर मेरे ख्याल इसको स्टॉप करें एंड इफ वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर आर्टिकल. लास्ट टाइम भी हम पूरा सही तरह खत्म नहीं कर सके थे. ठीक, बाकी हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. So...